चलिए अब बड़ी खबरें विस्तार से देख लेते हैं। शुक्रवार को इसी वक्त हमने आपको महादेव बेटिंग ऐप की खबर दिखाई थी। तवीडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को ऑनलाइन ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इस खुलासे में एक नया किरदार सामने आ गया है। उसकी बातें सुनने से पहले हम महादेव बेटिंग ऐप को लेकर नई हलचल क्या हुई है वो दिखा देते हैं। उस पर गौर कीजिएगा कि कैसे 22 ऐप जिनमें कि महादेव ऐप भी एक है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने, ये बंद कर दिए गए हैं सारे। सट्टेबाजी के इस गोरख धंधे में सबसे पहले एक जूस वाले का नाम आया जिसका नाम था सौरभ चंद्राकर, लेकिन अब इसका कनेक्शन सीधा दुबई से जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर महादेव की साढ़े साती चल रही है। 508 करोड़ देने का दावा करने वाला शख्स कैमरा पर खुलकर बाहर आ गया है। पहले उसका बयान देख लीजिए, फिर बाकी की पड़ताल। महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। 8 मिनट का ये वो ऑडियो बयान है जो शुभम सोनी ने दुबई से जारी किया। शुभम खुद को महादेव बेटिंग ऐप का मालिक बताता है। शुभम के इस बयान में जो बड़े खुलासे हुए पहले उन पर गौर कीजिए। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया, जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके, हर महीना 10 लाख रुपए। शुभम ने कहा कि बेटिंग के धंधे में दिक्कत हो गई थी, इसलिए उसने वर्मा जी से मुलाकात की। हफ्ता तय हुआ 10 लाख रुपए महीना, लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में विनोद वर्मा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। मैं तो किसी शुभम सोनी को नहीं जानता, मैं कभी मिला भी नहीं, और ये जिस वर्मा जी की बात कर रहे हैं उनको भी मैं नहीं जानता। शुभम के मुताबिक ये सब करने के बाद भी उसके लोग पकड़े जाते रहे। वर्मा जी से शिकायत की, वो रायपुर ले गए, वहां सीएम साहब और बिट्टू भैया से मिलवाया गया। बघेल साहब ने ही मुझे दुबई जाने और धंधा बढ़ाने की सलाह दी थी। मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से, तो दो लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। दुबई में शुभम की मुलाकात सौरभ और रवि के साथ हुई। दोनों भिलाई के ही रहने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। दोनों महादेव बेटिंग ऐप के जरिए फेमस होने लगे, उनको सीएम का समर्थन था। एसपी प्रशांत अग्रवाल बघेल का अफसर है, शुभम को प्रशांत अग्रवाल से भी मिलवाया गया। फोन घुमाया, उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फोन, तो सीधा सीधा आवाज तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। लेकिन प्रशांत अग्रवाल अब इस मुद्दे पर कैमरे के सामने आकर कुछ कहना नहीं चाहते। प्रशांत अग्रवाल की जहां तक बात है, वो इस समय रायपुर के एसएसपी हैं, और जो यहां पर जानकारी है उसके मुताबिक ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि सत्ता गलियारों के काफ़ी वो करीब माने जाते हैं, और ये जो आरोप है इसको लेकर के हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की। कैमरे पर तो नहीं बोले लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब फेक है, ये कहते हुए वो निकल गए। मगर शुभम सोनी का दावा है कि उसके पास हर एक आरोप के सबूत हैं, एविडेंस हैं, कौन सी मुलाकात हुई। मैं पॉलिटिकल सिस्टम में फंसकर परेशान हूँ, मुझ पर जबरदस्ती ईडी के केस बनाए गए। जबरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा सा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। शुभम सोनी ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर गिरीश तिवारी का भी जिक्र किया है। गिरीश तिवारी को मनी ट्रेल की अहम कड़ी बताया गया है। इन किरदारों के जरिए पूछताछ जब भी होगी तो और भी कई कड़ियां सामने आएंगी, और इस मामले के कुछ और भी
जिन्हें हम कह सकते हैं नए सूत्र सामने आ सकते हैं। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन महादेव ऐप चलाने वाले बेहद शातिर लोग हैं। सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि सट्टेबाजी का काम गलत है, इसलिए देश छोड़कर पहले ही बाहर भाग जाते हैं और वहां से बेटिंग का धंधा करोड़ों रुपए करके अपना वारे न्यारे करते रहते हैं करोड़ों के। अच्छा, महादेव ऐप काम कैसे करता है इस पर गौर कीजिए जरा, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा। महादेव ऐप एक बैटिंग के लिए संपर्क करने का सिर्फ जरिया होता है व्हाट्सएप। बैटिंग करने वालों को महादेव ऐप वाले दो अलग अलग नंबर देते हैं, एक नंबर से पैसे डालने और बैटिंग करने के लिए पॉइंट मिलते हैं, तो दूसरा होता है उन पॉइंट्स को पैसों में बदलकर ग्राहक के खातों में भेज दिया जाता है, जिसके जरिए पैसे जिस खाते में जाते हैं वो बेनामी होता है। जिस खाते से पैसे आते हैं उसका भी कुछ अता पता नहीं होता, सब दो नंबर का काम होता है। सट्टेबाजी से आए पैसे विदेशी खातों में ट्रांसफर हो जाते हैं। महादेव के प्रमोटर ने 70-30 के प्रॉफिट मॉडल पर फ्रेंचाइज बांटी, मतलब अगर कमाई 100 रुपये है तो 70 प्रमोटर्स के और 30 रुपये फ्रेंचाइज वाले के। महादेव ऐप का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में बनाए गए। ठगी का ये पूरा जाल तैयार कैसे किया गया, इसकी पूरी तैयारी कैसे हुई, छत्तीसगढ़ के अलावा और कई राज्यों में फैलाया गया इसे, फिर विदेश में ठगी का ये सिस्टम चलता कैसे, आपको ये भी समझना चाहिए, ये भी समझाना बहुत जरूरी है। बेटिंग ऐप में जो ऐप का पेमेंट गेटवे लगा होता है वो अक्सर भारत के बाहर होता है। बेट लगाने की जो गेम खेलते हैं, बेटिंग करते हैं, उनको ये फेक अकाउंट्स देते हैं। ये अकाउंट्स तो ओरिजिनल है लेकिन जो बेट लगाने वाले बंदे होते हैं उनका अकाउंट नहीं है, ये किसी प्रताड़ित पीड़ित का अकाउंट है जिसे ये झांसा दिया जाता है कि आपको महीने का 10,000 रुपया मिलेगा और काफ़ी सारा पैसा जो इनके बिचौले होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो फिर हवाला के माध्यम से दुबई में ट्रांसफर करते हैं। सट्टेबाजी ना एक नशे की तरह होती है, लोग सोचते हैं कि सट्टेबाजी या बैटिंग पैसा बनाने का एक आसान जरिया है, नहीं ऐसा नहीं है। महादेव ऐप ने लोगों को इसी सोच का फायदा उठा लिया और बैटिंग के इस गोरख धंधे को लगातार फैलाते चले गए। इसके लिए ऐप के प्रमोटर्स ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर महादेव ऐप का प्रचार किया, गेम्स के जरिए पैसे लगाकर ज्यादा कमाई देने का लालच दिया। महादेव बैटिंग ऐप में कई तरह के गेम्स उन पर सट्टा लगवाया जाता था, जैसे पोकर हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। इसके अलावा चुनाव के नतीजों पर भी सट्टा लगा सकते हो आप, इस ऐप में ये प्रावधान भी था। पिछले साल महादेव ऐप पर करीब 10 लाख लोगों ने बैटिंग लगाई, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 500 रुपये तक की बैट का विकल्प लोगों को ज़्यादा खींचता था। लोग क्या सोचते थे, लोगों को लगता था कि 500 रुपया लगाएंगे पता नहीं कितने आ जाएंगे, ये लालच देने के लिए जरूरी होता है। पहले ये क्या करते थे महादेव ऐप वाले, पैसे लगाने वाले को हारा हुआ हो तब भी जीता हुआ दिखा देते थे ताकि उसका लालच बढ़े। हमेशा जुए में ये होता है, पहले जिताओ और फिर लूटो। लत लगने के बाद बड़ी रकम का दाव लगाते ही वो आदमी महादेव ऐप में भी हार जाता था। रकम का 70% प्रमोटर को जाता था और 30% फ्रेंचाइज चलाने वाले को मिल जाता था। तो बेटिंग ऐप्स होते हैं खासकर भारत में बेटिंग ऐप्स पूरी तरह से इलीगल हैं। कहीं सारे ऐप हर एक स्टेट में मौजूद है और वो ऐप स्टैंड अलोन रूप से कार्य करते हैं। पहले जो मटका सट्टा जो लगता था वो आज ऐप द्वारा लगता है। अक्सर बेटिंग ऐप से ये अपना नाम प्ले स्टोर पे रखते नहीं। अच्छा, एक सवाल है, अगर ये ऐप गैर कानूनी था तो अब तक चल कैसे रहा था, क्या इसको पहले नहीं रोक देना चाहिए था, पहले क्यों लगाम नहीं लगाई गई इस पर? ऐसी और कितनी ऐप हैं जो अब भी चल रही हैं, हमें लगता है उन पर भी तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब जैसे एक के साथ महादेव के अलावा 22 पर हो गई है, सब पर ही हो जानी चाहिए ताकि कोई नया महादेव पैदा ही ना हो पाए। अब जनता की बात, इंसान का आसानी से पैसे कमाने का लालच महादेव जैसे बैटिंग ऐप्स की सबसे बड़ी ताकत होता है।
इंटरनेट से जुड़ी 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 करोड़ भारतीय ऑनलाइन बेटिंग करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये शौक होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए सट्टेबाजी लत बन जाती है। इससे बचना कैसे है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर गौर कीजिएगा। बेटिंग ऐप से पैसे बनाने के लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना आपको। सट्टेबाजी के विज्ञापन वाले लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करना, हमने उसमें जाना ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। गलती से कोई बैटिंग ऐप इंस्टॉल हो जाए तो डिलीट कर देना है उसको आपने। कोई आपको सट्टेबाजी ऐप से जोड़े तो उस ग्रुप को तुरंत छोड़ना है, उसके बहकावे में नहीं आना। ऐसे बैटिंग ऐप्स ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। ये मत सोचिएगा कि वहाँ लोगों को समझ नहीं है, आपने ज़्यादा बचना है। जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नौजवान हैं उन्हें क्या लगता है, उनको लगता है बैटिंग से जल्दी पैसे कमा लेंगे, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, नौकरी भी नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सट्टेबाजी में फंसे लोगों की ये सोच गलत है, एक बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए आप सब लोग। बैटिंग, जुआ, सट्टा, जो भी नाम हो, इनसे आपके पैसे दुगने तिगने या कई गुना नहीं होने वाले। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।